तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि सॉन्ग बहुत स्लो है बिकॉज मैंने फोन पे सुना था एंड देन उसके बाद मैंने स्पीकर पे लगा के गाना सुना एंड देन जब मैंने इसकी लिरिक्स सुनी तो मुझे इसकी लिरिक्स बहुत अच्छी लगी एंड आफ्टर दैट जब मुझे स्टोरी का ब्रीफ आया कि कैसे हम इसे प्लान कर रहे हैं शूट करना एंड ऑल सो वाकई मुझे एवरीथिंग सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे बहुत ही यू नो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील हुआ कि यार आई थिंक आई शुड नॉट मिस दिस सॉन्ग बिकॉज ये सॉन्ग अपने में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड आई वुड से कि ऐसा सॉन्ग है जो जिसकी ना एक्सपायरी डेट नहीं है ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा लोग उसे प्यार देते रहेंगे ये आगे बढ़ता रहेगा। आप खुद कितना रिलेट करते हैं द मोमेंट द वीडियो स्टार्ट वो कहती है आप कहती है कि जी दोस्त प्यार मैं आपको मैं कहना चाह रहा हूँ आप तक पहुंच रहा हूँ नहीं वेल मैं जब भी एक्ट करता हूँ किसी भी म्यूजिक वीडियो में या फिर मेरा कोई भी कैरेक्टर तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उस कैरेक्टर की जो जो यू नो उसका जो बैकग्राउंड है उसका जो पास्ट है वो समझूँ और उस हिसाब से एक्ट करूँ ना कि मैं ये समझता हूँ कि मैं सिद्धार्थ निगम हूँ और मेरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ होगा इसलिए मैं इस तरह के एक्सप्रेशन दे रहा हूँ डेफिनेटली नॉट। मैं हमेशा कैरेक्टर के यू नो बारे में सोचता हूँ कि अगर ये कैरेक्टर अगर ये इंसान अगर इस फीलिंग्स में जाएगा या उसके साथ ऐसा फील या उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो उसे कैसा फील होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत रोने का मन करता है बट कोई होता नहीं है कि आप उसके सामने जाके रो सकें या आपका कब हुआ नहीं है मेरा कभी नहीं हुआ और जब भी हुआ मेरी माँ हमेशा मेरे साथ थी। बहुत अगर स्पेस में लगता है सब कुछ मैं वसीम से जानना चाहूंगा बहुत अयूब साहब से जानना चाहूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ जितना भी स्क्रीन पे नजर आता है और जो आज की यंगस्टर है जो जनरेशन है वो बहुत रिलेट करेंगे आप कॉलेज को उठा के तो क्या लगता है आपको कि एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाए गए हालांकि द सॉन्ग लुक्स रियली रियली गुड कोई बात नहीं होता है। मैं फिर से पूछता हूँ आपसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह का गाना आपने बनाया है वो मुझे लगता है कि यंगस्टर को बहुत अपील करेगा। आई होप सिद्धार्थ एंड सौम्या एग्री ऑन दिस यू नो व्हाट आई एम सीइंग इन द मूवमेंट। सौम्या तुम बताओ कैन यू रिलेट? तो प्यार दोस्ती है जी हाँ डेफिनेटली प्यार दोस्ती है और दोस्ती प्यार है। आप जितने भी दोस्त होते हैं आप उनसे मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब भी वो मुसीबत में हो तो आप उनके साथ खड़े हो सकें अगर वो गम में है तो उनके साथ गम बांट सकें अगर वो खुश हैं तो उनके साथ उनकी खुशियां भी बांट सकें। आई थिंक दोस्ती इसीलिए ही होती है और इतनी अच्छी ये बॉन्ड बहुत अच्छा है दोस्ती। आपको लुक आपके लुक को लेकर क्या ब्रीफ था बड़े मतलब मुझे लगता है आपकी हल्की हल्की सी बीड रखी गई है जवान हो गए हैं आप मैच्योर करने की कोशिश करी जा रही है।